जय हिंद मेरे भाई। फेक नोटिफिकेशन आने के बाद में कहीं ना कहीं आरपीएफ का यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का वैकेंसी के बारे में कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर क्या है जागृति पैदा हुई है। मित्रों इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप आरपीएफ के अंतर्गत कांस्टेबल हो या एसआई का फॉर्म भरते हो। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो नोटिफिकेशन आया था वो आप लोग को पता है कि वो फेक था, लेकिन ये चीज है कि आपका एलपी वैकेंसी आई या टीपीसी की आने वाली है, टेक्नीशियन की आने वाली है, तो कहीं ना कहीं आरपीएफ की वैकेंसी भी आपकी आएगी। नहीं आती है क्योंकि सिलेबस सबका सेम ही होता है, तो आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। चलिए मित्रों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करेगा क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाया तो आपको मिल जाए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर सिलेबस है, यहाँ पर फिजिकल के बारे में, यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस बारे में। देखिए अगर आपको आरपीएफ के अलावा उसके फुल फॉर्म या कुछ भी नहीं पता है, यानी उसके पैटर्न के बारे में कैसे एग्जाम होता है, तो हर चीज आपको बता देंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आरपीएफ का फुल फॉर्म, कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है कि ना कि रेलवे पुलिस फोर्स होता है, है ना। बचपन में हम लोग क्या है पुलिस निकाल लेते थे, पीवार पुलिस, ऐसा नहीं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बताएंगे, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एसआई की तैयारी करना चाहते हैं। देखिए बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें, अगर आप कांस्टेबल के फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए आप 10वीं पास होना चाहिए या उसके समकक्ष, जैसे कुछ बच्चे एक कक्षा 8 से आईटीआई कर लेते हैं, उसके बाद में क्या है तो वो भी क्या है कहीं ना कहीं 10th के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो, है ना, लेकिन पास होना चाहिए, अपीयरिंग वाले नहीं इसमें। दूसरी चीज में बात करूं एसआई के लिए क्या है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है। यहां पर क्या मांगा जाता है, ग्रेजुएशन कर लीजिए। ग्रेजुएशन यानी कि जैसे आप बीए बीएससी बीकॉम बीटेक बीए ये सब किए हो तो आप बीई तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए एज के बारे में बात करें, एज आपका 18 से 25 होता था पहले, अगर 2018-19 वाली वैकेंसी में देखें, लेकिन इस बार जो फेक नोटिफिकेशन आया, हो सकता है वो सही हो या गलत हो, फिर भी गवर्नमेंट को क्या है क्योंकि 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो आपको क्या है कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, है ना। तो एज रिलैक्सेशन भी आपको क्या है मिलेगा, यानी 28 साल तक क्या है आप मान कर चलिए या 25 तक मान के चलिए, मैं अभी इसको 18 से 25 ही कह रहा हूं। ठीक है बेसिक डिटेल्स बात करें तो कांस्टेबल से अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपका जो बेसिक पे होता है वो 21,700 होता है, वहीं एसआई के लिए क्या है 35,400 होता है। देखिए ये आपका बेसिक पे है, उसमें आपका एचआरए डीए बहुत सारी चीज आपको मिलता है, यानी कम से कम आप इसमें क्या है 15 से 20 हजार रुपए और ऐड कर लीजिए, है ना। तो कांस्टेबल का आप कर लीजिएगा कम से कम 35 से 40 हजार एंड क्या है एसआई का 50 हजार रुपए, ये आपका जो बेसिक सैलरी क्या है बनने वाला है। देखिए सिलेबस फिजिकल, उसके पहले हमें क्या है सिलेबस के पहले थोड़ा सा हमें जानना होगा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए पहले आपको सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ना ही ऑफलाइन होगा, कंप्यूटर के माध्यम से आपका पेपर होगा। फिज क्या होगा, इसका फिजिकल होगा जिसे पीटी पीएसटी के नाम से जानते हैं, है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर क्या है आपका डीबी या फिर मेडिकल होगा, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये चीज बात करें सिलेबस के बारे में, तो आपको इसमें 90 मिनट मिलता है क्वेश्चन पेपर, आपको कंप्यूटर के माध्यम से हाउस सॉल्व करने का 90 मिनट मिलता है, 120 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, तो सीधी सीधी बात है कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होगा। देखिए पिछले साल का अगर आपने कटाप नहीं देखा है 115 नंबर 112 नंबर 13 नंबर तक गया था, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में था, जो 80-80 नंबर पाए थे उनका 115-15 कर दिया गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो वो रॉ स्कोर कहीं ना कहीं 80 ही था, तो आपको परेशान नहीं होता। अगर कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको कटाप पर ले आएंगे कि नॉर्मल कितना था और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितना मार्क्स बन रहा था। फिर देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/3 होता है, ध्यान देना है, इसमें 0.33% क्या है नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आप ध्यान देना है कि 90 मिनट मिलेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जो आपको आता है। देखिए सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर मार्क। देखिए जो आपका जो जीके एंड साइंस को मिलाकर, देखिए रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ईएलपी हो, टेक्नीशियन की हो या आरपीएफ की हो, इसमें साइंस का कहीं ना कहीं 40 से 50% वेटेज होता है, वही अगर आप ईएलपी वगैरह जाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं 80% वेटेज होता है। तो ध्यान देना है कि इसमें आपको जीके के साथ में, जीके में तो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्टडी जीके सारे आ जाएंगे, लेकिन साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाएगा। फिर क्या है जीके प्लस साइंस से 50 क्वेश्चन आपके होंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं 40-45% वेटेज आपका सिर्फ जीके का ही है। फिर क्या है आपका इसमें 50 नंबर के होंगे, रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन होगा, 35 नंबर का होगा, अर्थमैटिक भी आपका, अर्थमैटिक मतलब अंकगणित जो आपका मैथ होगा वो 35 क्वेश्चन होगा, 35 नंबर का होगा। देखिए ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा है, अर्थमैटिक लिखा है, यानी कि क्या होगा आपका अंकगणित होगा, क्या होगा मेरे मित्र अंकगणित होगा, यानी जो आपकी एडवांस मैथ आती है वो नहीं आएगी यहां पर, है ना। तो एडवांस मैथ में
जैसे आपका 2D 3D मेंसुरेशन वगैरह जो आता है वो एरिया वगैरह ये सब आपके इसमें नहीं आएंगे। इसमें लाभ हानि औसत ये सब चीज क्या इसमें आने वाले हैं, जो बेसिक चैप्टर आपके होते हैं परचेस वगैरह। अब बात करते हैं मेरे दोस्त कि आपका जो फिजिकल होगा वो कैसे होगा। फिजिकल को हमें अच्छे समझना होगा। यहाँ पर हमने फिजिकल के लिख दिया है, यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। दूसरी चीज यहाँ पर चेस्ट, देखिए जो गर्ल्स होती है उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। इसमें वेट का भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, जबकि आप दिल्ली पुलिस में देखोगे, यूपी पुलिस में देखोगे, उसमें मिनिमम 40 किलो वेट जो गर्ल्स होती है उनका मेजरमेंट होता है, मापा जाता है, लेकिन ऐसा इसमें क्राइटेरिया नहीं रखा गया। तो देखिए अगर बात करें कि अगर आप हाइट के बारे में बात करें, अगर आप मेल है अनरिजर्व कैटेगरी से ओबीसी से हैं तो आपका 65 होना चाहिए। वहीं अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल से हैं ओबीसी से हैं तो अगर आप फीमेल हैं तो 157 होना चाहिए। देखते रहिएगा यहाँ चीजें। फिर क्या है, अगर आप चेस्ट देखिए जो मैंने बता दिया, जो चेस्ट होता है वो सिर्फ बॉयज का मेजरमेंट होता है ना कि गर्ल का होता है, तो ध्यान रखिएगा ये 80 से 85 देखिए नॉर्मल जो होना चाहिए 80 होना चाहिए। जैसे आप सिंपल खड़े हो तो आपका 80 होना चाहिए, जब आप क्या ऐसे एक्सपेंड करो तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो क्या आना चाहिए 85 आना चाहिए। उसी अगर आप एससी एंड एसटी से हैं तो 160 आपकी मेल जो मेल की हाइट होनी चाहिए 160 होनी चाहिए, फीमेल की 152 होनी चाहिए। और जो चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें भी रिलैक्सेशन है, 76.2 से क्या 81.2 होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जब आप देखोगे तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना कंपलसरी है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, इसमें आप 80 है, इसमें 76.2 है। देखिए जो कुछ ईस्ट राज्य है जैसे आपका असम वगैरह हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं क्या है पहाड़ी एरिया से आते हैं, उनके लिए कुछ विशेष छूट दिया जाता है। उनकी जो हाइट होनी चाहिए 163 होनी चाहिए, 155 क्या है फीमेल के लिए मांगा गया है, और चेस्ट तो क्या है सेम मांगा गया है, जनरल के बराबर ही मांगा गया है। अब देखिए अगर आप मेरे मित्र कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हो, कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हो तो उसमें देखिए इतना चीज तो एसआई और कांस्टेबल के लिए सेम था, हाइट और चेस्ट ये सब चीजें सेम थी, लेकिन जो रनिंग में है कांस्टेबल के लिए थोड़ा सा ज्यादा रनिंग मांगा जाता है, एसआई के लिए थोड़ा सा कम रनिंग मांगा जाता है अगर दोनों को कंपेयर करें तो। देखिए अगर आप यहां मैंने वर्ग लिख दिया है मेल फीमेल 1600 मीटर 800 मीटर लॉन्ग जंप हाई जंप, पहले समझ लीजिए 1600 मीटर आप समझते हैं कहीं ना कहीं 1.5 किलोमीटर और 800 मीटर 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, लॉन्ग जंप यानी कि क्या है आपको लंबी कूद का होना होगा, फिर हाई जंप यानी आपको ऊंचाई में कूदना होगा। अगर आप मेल हैं और अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं, मेल हैं कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं तो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। वहीं अगर आप फीमेल हैं, अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं तो आप क्या है 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर तय करना होगा। लॉन्ग जंप के बारे में देख लीजिए, मेल है तो 14 फीट एंड अगर फीमेल है तो 9 फीट 14 फीट 9 फीट ये बहुत ज्यादा होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कम से कम 2 महीने के प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि आरपीएफ में आपका पेपर तो कहीं ना कहीं अच्छा होता ही है, अच्छे क्वालिटी का होता है, मॉडरेट होता है ना, लेकिन कहीं ना उसके साथ में कहीं ना कहीं फिजिकल भी आर्मी लेवल का होता है, ये चीज ध्यान रखना है। फिर ये क्या है आपकी हाई जंप क्या है 4 फीट 3 फीट होना चाहिए, है ना, मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए क्या 3 फीट। वही अब एसआई की अगर आप तैयारी करते हो, मेल हो तो आपको 6 मिनट में, यहाँ 5 मिनट में था, यहाँ 6 मिनट 30 सेकंड में यानी 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर तय करना होगा। एंड अगर आप फीमेल हो तो आपको 4 मिनट में क्या है 800 मीटर तय करना होगा। यहाँ पर 20 सेकंड का आपको रिसेप्शन दिया जाता है। लॉन्ग जंप 12 फीट ही है मेल्स के लिए, यानी जो लड़के हैं उनके लिए क्या है 12 फीट एंड गर्ल्स के लिए क्या है 9 फीट एंड हाई जंप 3 फीट 9 इंच, यहाँ पर देखिए 3 फीट 9 इंच एंड फिर क्या है 3 फीट फीमेल के लिए मांगा जाता है। ये चीज आपका क्या है फिजिकल के बारे में रहा। तो फिजिकल के आपका बेसिक ड्रेस आपको पता होना चाहिए, आपको तैयारी कैसे करना है, क्योंकि सीबीटी होगा आपके सिलेबस पर आधार पर होगा, आपका फिजिकल इसके आधार पर होगा, फिर डीबी जब आपका होता है तो डीबी में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, आपका सेंट्रल का जांच चाहिए और आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जिस स्टेट से हो आप वो सेंट्रल का वो क्या है स्टेट वाला चाहिए सेंट्रल का, और बाकी आपकी 10वीं की मार्कशीट चाहिए, और बस यही सब डॉक्यूमेंट आधार कार्ड आईडी यही सब आपका लगेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। मेडिकल में आपकी शारीरिक परीक्षण होता है जिसे चिकित्सा परीक्षण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपके मन में हो सकता है कि अभी कोई डाउट बन रहे हो, जैसे कटार पर हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे, बुक के बारे में भी अगर आप कहोगे तो लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। तो चैनल पर नए मित्रों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।